सड़क सुरक्षा माह का अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज ट्रैफिक विभाग साथ ही यातायात विभाग, पुलिस विभाग और हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ सभी मीडिया के साथ ही एनजीओ, जनप्रतिनिधि, नगर परिषद, इन सब ने मिलकर एक मेले का आयोजन किया जिसमें रंगोली की स्पर्धा है, पोस्टर प्रतियोगिताएं हैं और अन्य विभिन्न कार्यक्रम हैं, जैसे ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, 50% डिस्काउंट पे हेलमेट देना, इत्यादि सारी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कुल मिला के सरकार की यही मंशा है कि सड़क दुर्घटनाएं नहीं, और यदि हो भी तो हम अपने सुरक्षा के सभी इंतजाम और सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों की पालना करें जिससे हम अपने जीवन को बचा सकें और परिवार को उजड़ने से बचा सकें। बिल्कुल अलग अलग संदेश है, जैसे सर आप पी के का गाड़ी नहीं चलाना, और जैसे वन वे है तो उसमें गाड़ी नहीं जाने देना चाहिए, हेलमेट पहन के, सीट बेल्ट पहन के गाड़ी चलानी चाहिए। अगर कोई एक्सीडेंट आपके ध्यान में आया है और वहाँ पे व्यक्ति वैसे ही पड़ा है तो उसको एज अ गुड सैमरिटेरियन के रूप में आप अगर उसको अस्पताल पहुँचाते हैं तो आपको किसी प्रकार की केस मुकदमेबाजी में नहीं फंसना पड़ेगा। ये चीज़ का भी मैसेज इसके माध्यम से बच्चों ने बहुत सुंदर सुंदर पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से दिया है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ बच्चों को और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये इसमें पार्टिसिपेट किया। रंगोलियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बना रहे हैं और अलग अलग थीम्स पे बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है। देखिए, इस प्रदर्शनी के माध्यम से और जो सरकार कितनी गंभीर है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के कारण, जो सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता जाता उसकी जगह सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में सबसे बड़ी जो बात देखने को मिली है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो मैसेज दे रही कि हमें सड़क सुरक्षाओं के नियमों का पालन करना चाहिए, निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, जो 50% पे हेलमेट है एक सड़क सुरक्षा की ट्रेनिंग लेने का, और सारे काम जो सड़क सुरक्षा के लिए आने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाएंगे, इस जो प्रयास है सरकार का और हम सब एनजीओ कार इनका बहुत सराहनीय है, और इस दिशा में जो जन सहभागिता है वो भी बढ़नी चाहिए। निश्चित रूप से ट्रैफिक लाइटें बंद पड़ी हुई है, लेकिन ट्रैफिक लाइटों के मुकाबले जहाँ जहाँ भी रोड उपलब्ध है वहाँ पर ट्रैफिक लाइटों को पुनः शुरू करा दिया जाएगा।